बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल फैमिली व्लॉग्स। तो आज मैं आपके साथ जो है बस बहुत जल्दी जल्दी मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ ये मैं, और जो मेरे घर के काम है वो भी फटाफट कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बाहर गई हुई थी तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स थी। तो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी जो भी है। तो यहाँ पर बस मैं जो है थोड़ी बहुत वीडियो डाल के आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो जो है घर के काम तो मैं थोड़े बहुत करके चली गई थी और थोड़े बहुत थे जो बाकी जो किचन के होते थे बताए, खाना वगैरह बनाना वो इम्पोर्टेंट्स होता है तो वो मैंने आके ही बनाया था खाना। तो सबसे पहले ये देखें यहाँ पर जो मैं है अरवियाँ हैं इसे बॉईल करने के लिए रख रही हूँ और इनसे अरवियों की सब्जी बना रही, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा परहेजी खाना है इसे कह सकते हैं। तो ये मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए और यहाँ पर मैं जो है दूसरा भी बनाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मैं किचन था मैंने साफ कर लिया था यहाँ पर, और बस ये कि थोड़े से नाश्ते के बर्तन थे वो मेरे रह गए थे तो मैंने कहा वो मैं आके धो लूंगी। तो अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल्स, और ये कि आप मेरी वीडियो पूरी देखें। और यहाँ पे ये देखें यहाँ सबसे पहले जो घर के रूटीन से काम होते हैं वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हर एक के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होती हैं तो मेरे साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ये देखें मैंने यहाँ पर बर्तन धो लिए थे और अब मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले खाने बनाने की तैयारी करूँगी। और ये जो मैं आज आपकी सब्जी बनाऊँगी ये मैं रेड मिर्चों की नहीं बनाऊँगी क्योंकि परहेजी है, इसको मुझे सिर्फ ग्रीन मिर्चों की ही बनानी है। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको उबाल ली थी अरवियों का, वो मैं आपके दिखाऊंगी। जब उबाल लें उबालने के बाद जो इसका छिलका उतरता है बहुत आराम से उतर जाता है और इतनी मतलब मुश्किल नहीं होती। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसका जो है उतार लिया था, अभी उबाल करने के लिए रखा है, जब उतारूंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो और मैं यहाँ पर जो है दूसरे चूल्हे मैंने खेमा बनाया था लेकिन यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर नहीं करा, वो मैंने पहले ही बना लिया था। और यहाँ पर ये देखिए टमाटर हरी मिर्ची वगैरह रखेंगी, ये भी मैं भी इसमें काट के ऐड करूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको प्याज काट रही हूँ, इसके लिए तभी मैंने 2 अदद प्याज ली थी यहाँ पे और मैं इसको बारीक बारीक से कट कर लूँगी। और जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए थे वो मैंने बहुत ज़्यादा मतलब लाइट थे, इसमें से मैंने हरी मिर्ची ली थी, प्याज थे और जीरा डाला था मैंने इसमें। और ये देखिए यहाँ पे मैं इसको बारीक बारीक से कट कर लूँगी और इसे मैं मतलब फुल गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इसको मुझे हाफ डन करनी है क्योंकि जिस तरीके से हम लोग मतलब भिंडिया वगैरह भी बनाते हैं उसी तरीके से मैंने यहाँ पे ये सब बनाए हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसमें प्याज ऑयल डाल दिया था सबसे पहले, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है प्याज डाल ली थी। अब प्याज हमारी मतलब थोड़ी सी हाफ डन हो जाएगी तो उसके बाद मैं इसके अंदर जो वाके के हैं मतलब मसाले वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और ये देखिए यहाँ पर मैंने दूसरे चूल्हे पर जो है उसको भिंडी वो मत सॉरी अरवियाँ थी उसको मैंने बॉईल करने के लिए यहाँ पे रख दिया ताकि फटाफट ही हमारी बॉईल हो जाए। और ये जो है लहसुन अदरक ये मैं इसमें नहीं डालूंगी, ये मैं डालूंगी आलू, मतलब मैं आलू कीमा ही बना रही थी जो मैं आपको बताया था क्योंकि कहा था ये परहेजी खाना है तो ये मैं अपने लिए नहीं बना रही। और ये जो है हम अपने लिए बना रहे थे यहाँ पे बच्चों के लिए, मैं अपने लिए तो यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था आलू कीमा बनाने के लिए। और 2 चमचे मैंने यहाँ पे 2 से थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया था लाल पिसी हुई मिर्च है, हल्दी पाउडर है और थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर लिया था, 1/2 टीस्पून नमक लिया था। और यहाँ पे जो है मैंने गरम मसाला जो है मैं आपके साथ दिखाया था, मतलब यूजली जो हर घर में थोड़ा बहुत डलता है मतलब काली मिर्च, बड़ी इलायची और लौंग वगैरह, तो यही मैंने इसमें भी ऐड करी है। तो यहाँ पे ये देखिए जब हमारा ये हो जाएगा, मैंने इसके लिए भी एक प्याज ली थी मतलब ये कीमा बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए अभी मेरी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी प्याज तो उसमें मैं सारे मसाले ऐड करूँगी और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो डालूंगी क्योंकि ज़्यादा तो इसको मुझे अच्छा मेरे वहाँ कीमा थोड़ा मैं फ्रीज़र में रखा था तो मैं इसे ऐसे ही डाल के छोड़ दूंगी यहाँ पर। और फिर उसके बाद मतलब ये है मैं इसको भूनूंगी, भुनाई बाद में मैं करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसके लिए यहाँ पर एक ही ली थी मैंने, यहाँ पर बड़ी इलायची भी मैं इसमें ऐड कर दी थी। और यहाँ पर अगर मतलब कुछ लोग बनाते हैं इसे अरवियों को जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी या परहेजी इसी तरह किसी को मतलब मिर्ची वगैरह अगर लाइट मिर्ची खाने तो इस तरीके से बनाएं तो वो मतलब डिफरेंट इसका टेस्ट आता है, मज़ा आता है, खाने में भी अच्छी लगती है। तो जो मैंने इसके लिए थे खाली अरवियाँ जो बनाई हैं तो मैंने इसके लिए लिया था सबसे पहले 2 डली मैंने यहाँ पे प्याज ले ली थी और उसमें थोड़ा सा मैंने जीरा लाल कर लिया था। और उसके बाद मैंने टमाटर लिए थे 2 अदद और मैंने सिर्फ इसको हरी मिर्चों की बनाई थी। तो ये देखिए यहाँ पर अभी मैं यहाँ पे कीमे का बना रही हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कीमा आपको दिखा देती हूँ। और ये आजकल मतलब मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा है तो मतलब अभी हमारी तरफ तो खैर बारिश है बिल्कुल भी नहीं हो रही है तो बस ऐसे ही गर्मी चल रही है यहाँ पे।
और ये देखिए यहाँ पर जो है मैं इसमें जो डालूंगी लहसुन अदरक का 2 चम्मच इसमें ऐड कर दूंगी। और ये घर घर में ही मतलब पीस के रख लेते हैं, तो मैं यहाँ पर भी लहसुन अदरक को जो है मैंने पीस के रख लिया था। और मैं इसके साथ मतलब ये जो मसाले डाल के इसको भुनाई करूँगी, और 1 से 2 मिनट जो हमारे मतलब लहसुन अदरक का जो है मतलब हो जाएगा, तो उसके बाद फिर मैं जो है इसमें कीमा ऐड करूँगी। और ये देखिए यहाँ पर हो गया था जो मैं आपको बता रही थी। मैं मतलब हमने इंसान जो आती है बीमारी अल्लाह में सबको हिफ्ज़-अमान में रखे, तो बस अल्लाह में सबको बचाता रखे, रहम करे अल्लाह मियाँ सब पे। तो ये देखिए यहाँ पर जो है मैंने इसमें मसाला था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और ये देखिए यहाँ पर इसके साथ अगर आप इसमें चाहें तो कोई भी सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं। मतलब ये देखिए यहाँ पर मैंने उसको वहाँ पे पतीली रख दी थी, अब मैं यहाँ पर जो है हरी मिर्चों के इसमें डाली थी, क्योंकि इसमें मैंने आपको दिखाई हरी मिर्चें डाली हैं, तो इसमें मैं पिसी हुई लाल मिर्च नहीं डालूंगी, इसमें मैं जो है सिर्फ हरी मिर्चों को ही बनाऊंगी। और यहाँ पे जो है हम लोग इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी, जब हमारी मतलब बिल्कुल वो हो जाएगी टमाटर बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा, तो उसके बाद मैं इसमें अरवियाँ डाल दूंगी। अरवी जलाने की ज़रूरत नहीं होगी, मैंने इसको पहले ही बॉईल कर लिया था। और ये देखिए यहाँ पर मैं अरवियाँ जो है वो मैं कट करूंगी। ये देखिए मैंने इसे बॉईल करके ठंडी हो गई थी, वो मैंने इसको इसमें से निकाल ली थी। और ये बिल्कुल इजीली हो गए थे, मतलब जिस तरह हम लोग करते हैं उसमें इतनी मुश्किल होती है हमें छीनने में करने में, और ये इतने इजी आराम से इसके छिलके उतर गए थे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी। और ये देखें ये बाहर जो है कहीं मतलब सुबह का टाइम तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन फिर वैसे ही गर्मी हो गई थी। और यहाँ देखें यहाँ पे आलू कीमा भी हमारे तैयार हो गया है, और जो मैंने अरवियाँ बनाई थी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने खाली अरवियाँ जो बनाई हैं वो भी हमारी रेडी हो गई हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट।